फिलहाल अभी जो सवाल हमारे सामने था कमलेश जी का, उस पर लौट आते हैं। वो अमारा राजा बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं। आपने कहा था 600 के ऊपर अगर ये टिकता है तो फिर खरीदना ठीक रहेगा, और वैसे हालत में 12-18 महीने में 750 रुपये का टारगेट मिल सकता है। तो ये चीज़ उनको आपकी कही हुई पहले की याद है। अभी जो चार्ट दिख रहा है इसका, अमारा राजा बैटरीज का, तो 600 के ऊपर तो टिक गया है, 625 पर आ चुका है। तो क्या मतलब ले लिया है इन्होंने तो लेकर के 12-18 महीने बैठे रहे, या अभी नहीं लिया है तो क्या गाड़ी छूट गई, या अभी भी ले सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसकी गाड़ी छूटी है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में जा रहा है। देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़े टारगेट टेक्निकली दिखाई देते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं हो तो बीच में ही ट्रेंड फिजल आउट हो सकता है। इसलिए बड़े टारगेट आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी वॉच कीजिए कि क्या फंडामेंटल जो राउट पे वो चल रहे थे, क्या उससे अलग तो नहीं हो रहा है, वो छूट तो नहीं रहा है, तब बेहतर समझ पाएंगे आप इसके राइस को। जहां तक मेरी समझ जाती है अमारा राजा बैटरी की, इनका डिमांड अभी रहेगा, डिमांड खत्म नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे हो सकता है ये लोग अल्कलाइन में भी जाएंगे, जैसे इनके प्लान से जहां तक मुझे आता रहे। अब आप 750-750 की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए, इसमें 10% इसमें तो 10% का तो वैल्यूएशन प्रीमियम गैप ही बनता है, तो आप 625 में 60 रुपये ऐड करके रख ली तो 86-8700 तो वैसे भी इसका टारगेट बन जाना चाहिए, जो वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन होगा उसका, और थोड़ा अगर प्रीमियम मिल गया तो 5-10% और ऊपर मिल सकता है। तो ये चांसेस रहेंगे हमारा राजा बैटरी के, लेकिन हमारा राजा बैटरी एकदम पीसफुली इन्वेस्ट करके रहने लायक स्टॉक आपका नहीं रहेगा। उस केस में आपको करना यही चाहिए कि या आपका जो भी पॉकेट कहता है 200 EMA देख लीजिए, और जो ये 550 अभी है बहुत ऊपर, 630 से अगर मैं बोलूं आपको 550 के लिए, तो ये हो जाता है रफली 20% के आसपास, विच इज ओके फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। तो एज लॉन्ग एज आप इसमें 60% का रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं, तब तक आपको 20% का रिस्क लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 620 अराउंड 100 rupees 30% सॉरी 60% मतलब रफली आपको इसमें चाहिए 900 rupees, वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, 900 rupees का तो डाउट लगता है मुझे, लेकिन फिर भी 700 के ऊपर तक का तो बनने का, 750 तक का तो कंडीसिव सिचुएशन हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें अपसाइड और देख सकते हैं, 750-750 देख सकते हैं, लेकिन इस लेवल से तो रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है, थोड़ा कभी कूल ऑफ मिलता है 600 के तरफ तो ये ज्यादा बेटर सिचुएशन में रहेगा, ये मेरा ऐसा मानना है जी। तो आपके लिए यहाँ पर एक अमारा राजा बैटरीज के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किन लेवल्स का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें सुमेश जी ने आपके सामने रख दी। बाकी आप अपनी खोजबीन, अपनी जांच पड़ताल खुद भी अपने स्तर पर करें, साथ में किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आप संपर्क में रहें और उनकी सलाह लेकर भी चलें, तो ये बेहतर तरीका होगा निवेश करने का, और उसके हिसाब से आप अपने फैसले लें। हमारी ये सारी बातचीत इसलिए है कि हम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद कर पाएंगे।